वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम फिर से एक नई रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत हैवी थिक ग्रेवी खाकर हमें लगता है कि अब कुछ हल्का हो जाए, कुछ हल्के इंग्रेडिएंट्स के साथ कैसे ये बनाया जाए, थिक ग्रेवी ना हो जो रोज के खाने में हम खा सकें। वैसा मैं मटर पनीर लेकर आई हूँ जो हमेशा हमारे घर में बनता रहा है। उसके लिए मैंने दो बड़ी प्याज को बारीक काट लिया है, चार बड़े टमाटर को मैंने प्यूरी कर लिया है, एक हरी मिर्च है, एक कप मैंने मटर को धोकर अच्छे से साफ कर लिया है, 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है, पैकेट का पनीर है, अगर आपके पास घर में बना हुआ है तो नथिंग लाइक इट। ये एक चम्मच मैंने जीरा लिया है, आधा चम्मच हल्दी ली है और एक चम्मच मैंने किचन किंग पाउडर लिया है, एक चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, लेकिन कश्मीरी है ये, कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो है वो कलर के लिए होता है। एक चम्मच मैंने ग्रेट करके फ्रेश अदरक ले लिया है, नमक स्वाद के अनुसार है, कुछ धनिया की पत्तियों को बारीक काट लिया है जो हम गार्निश करने के लिए यूज करेंगे, ऑयल है, आप जो भी ऑयल खाते हैं घर में वो यूज कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन कर दी है, कुकर हमने रख दिया है, उसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, उसमें डालेंगे हम ये जीरा और इसको अच्छे से तड़कने देंगे, साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें प्याज कटा हुआ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी के साथ डाल रही हूं मैं ये पिसा हुआ अदरक, ग्रेट किया हुआ अदरक, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे और हम इसमें कुछ नहीं डाल रहे हैं, प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। पनीर को हमने निकाल लिया है पैकेट में से और अच्छे से इसको धो लिया है और इसके अब हम मन चाहे पीस कर सकते हैं, जो भी आप साइज करना चाहें वो आप साइज ले सकते हैं। ऐसे हम इनको कट कर लेंगे। इस टाइप से हमने ये पीसेस को कर लिया है, आप चाहें तो और छोटा कर सकते हैं। तो आइए अब इनको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं। पनीर फ्राई करने से पहले हम प्याज को चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से भुनना शुरू हो गई है, अभी हमें और इसे भुनना है, इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाए, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए इस समय कलर चेंज होना शुरू हो गया है, और थोड़ी देर हम इसको करेंगे, स्लो गैस पर हमें इसे भूनना है, गैस बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। तब तक हम अपना पनीर फ्राई करते हैं और देख सकते हैं आप, मैंने ये ऑयल जो है वो पैन में ले लिया है, 1 टेबलस्पून ऑयल है और अब हम इसमें ये पीसेस डाल देंगे। मैंने इनको कोट नहीं किया है, डायरेक्ट मैं ये पनीर के पीसेस में डाल रही हूँ। ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन करेंगे और गैस को सिम करके करेंगे, गैस बिल्कुल सिम होगी और इसको हम चारों तरफ से इनको अच्छे से ब्राउन करेंगे। ये देखिए इस टाइप से हम उलट पुलट के इनको अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए अच्छा कलर आना शुरू हो गया है, गैस को थोड़ा सा तेज करके जल्दी से हम चारों तरफ से इनको उलट पुलट कर सेक लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हो गया, और मैंने यहाँ पे मैदा का या किसी भी चीज से इसको कोट नहीं किया है, ना ही मैरिनेट किया है, बिल्कुल सिंपल है। और ऑयल भी इसमें ज्यादा नहीं चाहिए, आप एक चम्मच भी डाल सकते हैं और इसको ऐसे फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि जितना ऑयल है ये सारा बच जाएगा, ये पीता नहीं है पनीर। तो देखिए इस टाइप से हम इसको सेक लेंगे, बहुत ही देखने में सुंदर। जब तक पनीर हो रहा है हमने प्याज को चेक किया है, प्याज परफेक्ट ब्राउन होना शुरू हो गई है। इसी समय हम डाल देंगे इसमें ये हमारे मसाले और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, जल्दी जल्दी हम इसको मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं।
कुछ ही सेकंड्स में मसाले भुन जाते हैं, इनकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। इसी समय हम डाल देंगे इसमें ये टोमेटो प्यूरी, हमारा जो टमाटर का रस है, टमाटर का पेस्ट है, हरी मिर्च डाल देंगे और उसको मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार और इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि मेरी सारी रेसिपीज आप देख सकें। मैं 400 से ऊपर रेसिपीज डाल चुकी हूँ और जो आपके कमेंट्स आते हैं उसके अनुसार बनाने की कोशिश करती हूँ, बट आपकी फीडबैक मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम ये टोमेटो प्यूरी को भुनने देते हैं। टोमेटो का जो पेस्ट हमने डाला है ये बहुत अच्छे से भुन जाना चाहिए, तेल छोड़ देना चाहिए, कलर आपके सामने बहुत अच्छा आया है। ये देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, इकट्ठा हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे ये मटर। 1 कप के करीब हमने मटर लिया है, आप फ्रेश मटर यूज कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। और अब देखिए ये जो पनीर है इसको हम निकाल लेंगे ऐसे और इनको डायरेक्ट इसमें डाल देंगे। अच्छे से ये ब्राउन हो गया है और मैं आपको यहां दिखाऊं, देखिए तेल बिल्कुल ऐसे कैसे है, ये रहा तेल जो है आपका बिल्कुल बच गया है, इसलिए आप 1 चम्मच में भी ये नॉन स्टिक में ऐसे डाल सकते हैं। इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। अब हम डालेंगे ये गरम मसाला 1/2 चम्मच, मैंने किचन किंग डाला है इसलिए मैं कम ही गरम मसाला डाल रही हूँ, ये घर का बना हुआ गरम मसाला है, मैंने ऑलरेडी इसकी रेसिपी आपसे शेयर की हुई है। अब हम डालेंगे इसमें पानी क्योंकि हम ये थोड़ा ग्रेवी वाला बनाएंगे और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए कलर कितना खूबसूरत कलर आया है, ग्रीन मटर है, साथ में पनीर है, साथ में ग्रेवी है। अब इस समय आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं, देखिए रेड चिली पाउडर जो है, कश्मीरी रेड चिली और देगी मिर्च में क्या फर्क है, ये है कश्मीरी रेड चिली, इसका है कलर के लिए और देगी मिर्च होता है कलर प्लस थोड़ा सा तीखापन। तो जब भी आपको सब्जी में कलर चाहिए तो आप ये ज्यादा ऐड कर सकते हैं, कश्मीरी ये केवल कलर के लिए होती है, तीखी बिल्कुल नहीं होती। और ये देखिए परफेक्ट, मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी, मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, पनीर भी थोड़ा पानी पीता है। और जैसे मटर अब दो विसल फास्ट लगाइए, गल जाएंगी अच्छे से, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आशा है आप ट्राई करेंगे। तो अब हम करते हैं कुकर बंद। तो ये देखिए 2 विसल आने के बाद हमने कुकर को अपने आप ठंडा होने दिया और अब हम चेक करते हैं और ये देखिए परफेक्ट, वाओ क्या सब्जी बनी है। आप भूल जाएंगे वो ग्रेवी वाली पनीर खाना और मैं आपको दिखाऊं यहाँ कितना सॉफ्ट है ये पनीर, देखिए कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट है और इसमें पूरा ये रसा एब्जॉर्ब हो गया है और ये देखिए परफेक्ट ग्रेवी है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया डाल के इसमें मिक्स करेंगे, कुछ ऊपर से गार्निश करेंगे और ये देखिए बहुत अच्छी है, मैंने टेस्ट कर लिया है इसका नमक और रियली बहुत यम्मी, परफेक्ट कलर है। तो अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। ये देखिए आप पीस जो है वो छोटे कर सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल लाइट है, खाने में बहुत हल्की लगेगी आपको, ट्राई करना है, ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा, लग रही है ना टेस्टी, करेंगे ट्राई। तो ये देखिए थोड़ा सा डालते हैं हम धनिया और ये हमारा यमी सा लगने वाला पनीर मटर बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच।